वाइट ट्यूब, ठीक है। दिस इज द गाइड वायर, दिस इज द गाइड वायर, ठीक है ना। द गाइड वायर टिश्यू का ना दबकिया नीडल दबकिया सिरिंज दे सिरिंज सही शो करना सिरिंज दबकिया कैथेटर दे कैथेटर सही देखना। दिस येलो इज द कैथेटर एग्जैक्टली दबा वेंटिलेटर को सही शो करना। 10-16 तक यू कैन कॉल इट कैथेटर एज वेल एज द कैनाला बटरफ्लाई एंकरिंग के लिए एंकरिंग। ब्लू वाइट दोनों है, पेरेंटल न्यूट्रिशन सही है ना, रेसिसिटेशन एंड व्हेन द पेरिफेरल वेन्स कैन नॉट बी एक्सेस सही है ना। सो वी गो फॉर कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो सकती है सर। इफ आई इंसर्ट दिस नीडल इन टू द पेशेंट्स वेन यहाँ पर और यहाँ पर फ्रेश ब्लड आ जाए, फ्रेश ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज एन इंडिकेशन दैट आई हैव गॉन इन टू वट कैरोटिड, इमीडिएटली रिमूव्ड पैक पिकी रची बंच एंड देन ट्राई अगेन, समझ आ गई ना, ट्राई अगेन पूरा जैसे सो क्लेविकल दे क्लेविकल देखिए देखा ना, स्टे क्लोज टू द क्लेविकल, stay close to the clavicle see dekha na jugular chikam dekha na jugular jugular like inferior we compared to the carotid see dekha na jo the clavicle then is the needle varuse there's a chance that you can go into the jugular instead of the carotid samjha ke sir pulse ko check pulse gore but sometimes what happens kana ji munga bya hum lag akhode khalaad ko the pulse na khode khalaad se chikam dekha na bagain ke ha complications of cup bleeding ho gaya carotid ho gaya theek hai and most important complication kya ho sakta hai pleural injury leading to what pneumothorax. That is why post CVP it is also close question what is the most important thing to do post CVP x-ray sahi kana x-ray da tissue kana 10 the level khabri di push wait yes sir phone deu ko this is your Foley catheter ye bhi maine dikhaya tha aapko sahi hai na kabhi pass kiya aap logo ne nahi kiya sahi hai na kabhi dekha hai pass hote hue nahi dekha theek hai na aap pe pass nahi karayenge tox pe sirf aur sirf dekh lo ki ye kya hai Foley catheter kya kya types hai do types hai कम कम दी रबर और सिलिकॉन दे सीधे कहना रबर और सिलिकॉन ठीक शो कहना यूजेस से शो यूजेस सीधे कहना तीन यूजेस याद कर ले दो भी आपकी दिखाती हैं यूरीथ्रल कैथेटराइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सही रहा फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग जिजेनोस्टमी ठीक है ना एक सिलिकॉन है और एक रबर है इफ यू आर यूजिंग अ कैथेटर फॉर अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम यूज रबर एंड यूज रबर व्हाई बिकॉज इट कॉजेज लेटेक्स एलर्जी यूरेथराइटिस सिस्टाइटिस वगैरह इससे ज्यादा होता है कंपेयर टू सिलिकॉन सो इफ यू यूजिंग द पेशेंट एक पैरालाइज्ड पेशेंट है पैरालाइज्ड और उसको जो है ना आपने क्रॉनिक कैथेटराइजेशन करनी है यूज सिलिकॉन इंस्टेड ऑफ रबर डॉक्टर सर इस तरह है ना कि आपको अगर ये देख लें सामने क्या है सेक्शन में सर ये स्टॉक सही है ना दिस इज योर सेक्शन ठीक है ना इसमें आपको ये होल नजर आ रहा है होल यू सी दिस होल ठीक है ना यू पुट अ फिंगर इन दिस इट क्रिएट्स अ वैक्यूम सेक्शन होती है सही है ना सेक्शन होती है ठीक है ना लॉक पे क्या होते हैं ना होमूंगा बार बार लॉक लरी खुद आपको समटाइम्स इमरजेंसी सर्जरी का ना जजर सेक्शन के मतलब लॉक बार बार कुलाल बंद होने से कवाले बस सीधा पे किया लॉक पे क्या होते अब होल में तमाम के होते इट क्रिएट्स अ सक्शन और बेच कम देगा ना ठीक है सक्शन नाराजी व्हेन यू रिलीज इट द सक्शन कम देगा ना स्टॉप ठीक है ना इट हैज अ लॉक इट हैज अ होल ठीक है ना द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द फ्लेटस ट्यूब यदि ल्यूमन उड़के ठीक है ना इसका ल्यूमन छोटा होता है ठीक है ना ल्यूमन छोटा होता है ना ट्यूब क्यों नहीं है सही है ना ये ल्यूमन छोटा होता है और फ्लेटस ट्यूब में जो है ना ल्यूमन बड़ा होता है ल्यूमन बड़ा होता है और उसमें जो है ना ये चीजें नहीं होती ये होल और ये स्टॉपर और ये चीजें नहीं होती सही है ना होल हो गया और ये जो स्टॉपर हो गया और ये लॉक वगैरह ये चीज उसमें नहीं होती ठीक है ना।